अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मोरक्कन स्टेज की ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉट लगाकर 80 चेन्स बना लिए मैंने। 80 चेन्स मैंने स्वेटर के हिसाब से बनाए हैं। आपको जिस पर्पस के लिए चाहिए आप उसके लिए हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। राउंड वन चेन, वन सिंगल क्रोशिया इन फर्स्ट स्टिच, टू चेन, टू स्टिच स्किप, वन सिंगल क्रोशिया इन थर्ड स्टिच, टू चेन, टू स्टिच स्किप, वन सिंगल क्रोशिया इन थर्ड इन नेक्स्ट स्टिच, टू चेन, टू स्टिच स्किप, वन सिंगल क्रोशिया इन नेक्स्ट स्टिच। आखिरी तक इसको इसी तरह बनाना है और इसको आखिरी की स्टेज में वन सिंगल क्रोशिया बना के इसको कट नहीं करेंगे बल्कि इसको सिक्योर कर लेंगे। राउंड टू स्टार्ट करेंगे, कलर चेंज करेंगे और शुरू में जो हमने फर्स्ट स्टेज में सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी में इसको इंसर्ट करके नए धागे को और थ्री चेन बनाएंगे। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के बराबर है और फिर इस गैप में जो ये होल बनाया था हमने इसमें थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, फिर नेक्स्ट होल में भी थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन एंड थ्री डबल क्रोशिया। इसी तरह ये राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। आखिर में हम जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वन चेन बना के उसी सिंगल क्रोशिया में वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और वाइट धागे को जो आखिरी में हमने सिक्योर किया था उसको कट नहीं किया था उसको उसी के साथ अटैच कर देंगे। और इसको अच्छी तरह टाइट करके खींच के उसको टाइट कर देंगे और फिर राउंड थ्री हम शुरू करेंगे। उसके लिए हम थ्री चेन और अब हम जो राउंड बनाएंगे राउंड थ्री इसमें हम जो फर्स्ट सेकंड राउंड का जो दरमियान में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें वी स्टिच बनाएंगे। वो वी स्टिच के लिए वन डबल क्रोशिया, वन चेन और वन डबल क्रोशिया सेम उसी स्टेज में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया में। फिर अगले सिंगल क्रोशिया में जो राउंड टू का सिंगल क्रोशिया था उसमें वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, इस तरह ये वी स्टेज बन जाएगा। इसी तरह हम अपना राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। ये टू पेयर के दरमियान जो होल नज़र आ रहा है इसमें हम वन डबल क्रोशिया, वन चेन एंड वन डबल क्रोशिया। इसी तरह एंड में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे आखिर में हम वन डबल क्रोशिया जिस तरह हमने शुरू में वन डबल क्रोशिया बनाया था थ्री चेन बनाए थे इसी तरह यहाँ भी वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसको सिक्योर कर लेंगे। फिर हम ब्लू कलर से दोबारा स्टार्ट करेंगे, शुरू में जाएंगे और दोबारा वहीं से स्टार्ट करेंगे और जो थ्री डबल थ्री चेन बनाई थी हमने उसमें
इंसर्ट करके फिर हम थ्री चेन बनाएंगे, और वंस अगेन हम राउंड थ्री को दोबारा रिपीट करेंगे इसी तरह कि ये वी स्टिच में हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वन चेन वी स्टिच में ही थ्री डबल क्रोशिया, इस तरह बना के हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करके हम आखिर में जब पहुंचेंगे तो थ्री चेन में आखिरी की जो हमारा डबल क्रोशिया था उसी में हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, और इस थ्रेड को, वाइट थ्रेड को ब्लू थ्रेड में से निकाल के हम राउंड फोर शुरू करेंगे। और राउंड टू और थ्री को रिपीट करेंगे। ये जो दरमियान में नज़र आ रहा है सिंगल क्रोशिया, उसमें वी स्टिच बनाएंगे। दोनों वी स्टिच के दरमियान में एक होल नज़र आएगा, उसमें हम एक और वी स्टिच बनाएंगे। इस तरह राउंड टू और थ्री को हम इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। टू वी स्टिच के दरमियान में राउंड थ्री के वी स्टिच के दरमियान में एक होल है, उसमें हम एक और वी स्टिच बनाएंगे। इस तरह हम अपना पैटर्न कंप्लीट करेंगे।